चाललंय मतलब मी आता चाललोय. आता कवा? आता. आता कवा? आता. आता हा म्हणजे. हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल. मेरा नाम है संग्राम सिंह. आज का ये जो व्लॉग है ये काफ़ी 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 फाड़ होने वाला है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं कुछ ऐसा ट्राई करने वाला हूँ जो मैंने नहीं किया. आज के इस व्लॉग में मैं करने वाला हूँ एक छोटा सा प्रैंक मेरे वाइफ और मेरे मॉम के साथ. मैं एक्चुअली इस प्रैंक की शुरुआत बहुत पहले से कर चुका हूँ, मेरे वाइफ के दिमाग में वो चीज़ डाल चुका हूँ. मैं घर पर अगर बोलने वाला हूँ मैं यहाँ पर बोर हो गया हूँ, चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बाहर घूमना चाहता हूँ, व्लॉग्स बनाना चाहता हूँ, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ. तो इसीलिए मैं 1 से 2 साल के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ हिमालय तरफ, मनाली तरफ. वहीं पर रहूँगा, वहीं पर छोटा मोटा काम करूँगा, वहीं पर ब्लॉग बनाऊँगा. तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता. जो भी थोड़े बहुत पैसे मैं भेजूँगा मैं अभी नहीं कर सकता इससे ज़्यादा. मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता. तो आज इस तरह का कुछ प्रैंक होने वाला है. मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी मॉम डिसअपॉइंट हो जाएगी ये सुनकर. मेरी वाइफ ने थोड़ी डिसअपॉइंट, मेरी वाइफ को लगेगा स्टार्टिंग में कि मैं मजा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मॉम सीरियस हो जाएगी. और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वन मैन आर्मी, ना ही मेरा कोई दोस्त है, ये सब चीज़ें कैमरा वगैरह पकड़ने वाला. तो मैं क्या करूँगा, एक तो मेरे पास ये जो मोबाइल है वीवो V11 मैं इसे शूट करूँगा, और दूसरा जो मेरा एक्शन कैम है इसको एक जगह पर रख दूंगा. मतलब उनको पता होगा कि मैं शूट कर रहा हूँ, तो वो लोग बोलेंगे कि शायद मजाक कर रहा है, कैमरा में शूट कर रहा है, ऐसे मस्ती कर रहा है. तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं मेरा लैपटॉप, मेरी सारी चीज़ें साथ में लेके जाऊँगा जब मैं घर छोड़ कर जाऊँगा. इसीलिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ कि लोगों को पता चले, जो मेरे सब्सक्राइबर्स उनको पता चले कि हाँ संग्राम घर छोड़ के गया, अभी यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है. तो मैं ऐसे बोलूँगा, इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ. और अब देखते हैं कि क्या होगा. मेरे को पता नहीं आगे जाके व्लॉग का क्या होने वाला है. अभी मैं आया हूँ कुछ काम से बाहर, पर बोल रहा था कि घर पे बाहर जाना है, कुछ अकाउंट वगैरह बंद करना मुझे बैंक का, लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे आके करनी है. और प्लीज़ आप लोग संयम बनाकर रखना, गुस्सा मत होना. तो मैं उनके दिमाग में डालकर आया हूँ. अब देखते हैं क्या होगा और ये प्रैंक कहाँ तक जाता है. सो स्टे ट्यून, हम प्रैंक शूट करते हैं अभी. 1 2 3 रागनी नीचे बात करने का. हाँ जल्दी है नीचे बात करने का. कुछ मैं सोचता नहीं जाऊँ इतना, थोड़ा 1-1.5 वर्ष करता है मनाली साइड. मैं जा रहा हूँ हिमालय मनाली तरफ. कौन नहीं लग गया? कौन नहीं, मैं इतना चल रहा हूँ करण में इतना काम, थोड़ा फार पैसे तुम्हारा पाठवा. मैं चाल रहे मतलब मैं आता चाल रहा हूँ. आता कवा? आता. आता कवा? आता. आता हाँ. छोटा मोटा काम करूंगा, रोज वीडियो बनाऊंगा. इधर कुछ करने नहीं मिल रहा है, कुछ बोर हो जाऊंगा. पहुंच जाओ. ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो जो मेरे चैनल पे डालूँ और लोगों को पता चले कि हाँ ये किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है. इसलिए वीडियो बना रहा हूँ. चांगला तरीका तुलून काढला आहे बाबा. रडवायचा रडवायचा काय त्याच्यात, रडवायचा काय त्याच्यात. कुठं जाणार एकटा, कुठं फिरणार एकटं? तुला ते बाहेर गेलं दार्जिन नाही होत दोन्ही का. आता काय तुला काय तिकडे कोण घेऊन चालले काय? एकटा चाललंय मी. एकटा जाणार, उन्हातानाचा काय करणार, कुठं राहणार, कुठं खाणार, काय करणार? आता किती तर काम केलंच नाही, हॉटेल मध्ये केलंय, बिल्डिंग मध्ये केलंय, कॉल सेंटर मध्ये केलंय. आता काय ते दाज जरूरी आहे का? ते व्हिडिओ बनवायचं जरूरी आहे काय? 1 वर्ष नुसतं, 1 वर्ष पाहिजे. 1 वर्षात काय काय होतं? आता लास्ट गणपती आहे, गणपती नाही बसवायचा. बसवा की तुम्ही लोक, मेरा तो मैं आएगा एक दिन के लिए. तू बस आओ तो सर, आज के सर बस हो यार. एक दिन के लिए आके देख के चले जाऊंगा. रागनी वो लैपटॉप का बैग ले जाना ऊपर से. लैपटॉप का बैग ले. डैडी जा रहा है अभी. डैडी चाली 1 साल में वापस आ जाऊंगा मैं. ये वीडियो ताकि मैं अपने वो चैनल पे डालूं. इधर से जब जाऊंगा तो ट्रेन वगैरह में, बस में किधर एडिटिंग कर लूंगा ट्रेन में. तुला ते कुठे गेलेलं दार्जिन नाही होत सगळं. काय तुला परत डोक्यात आलं का काहीतरी? काय आलं नाही माझ्या डोक्यात. आता कुठं तू असं 1 वर्ष काढणार? खराब माणसं काय माणसं मिळणार? चलो वैसे डॅडी जा रहा. डॅडी वचिल्ला नाही म्हटलं आपको. डॅडी आहे का? 2-3 महिने. हाँ येलो डैडी का सब कपड़ा रखो. येलो डैडी बैग में दे रहे कपड़ा. थोड़ा सा कपड़ा लेके जा रहा हूँ मनाली के लिए, ठंडी वंडी के लिए. कुठे उन्हात आणत फिरणार सगळा? उन्हाळा किती आहे, काय आजारी पडला, काय झालं, काय करणार तिकडे जाऊन? काम धंदा करणार, अजून काय करणार? कुठं काम करणार, कसं काम करणार?
कारण आपण कितीदा काम केलं, कितीदा काम केलं, बिल्डिंग से लेकर हॉटेल से लेकर कॉल सेंटर से लेकर केएफसी से लेकर हर जगह पर काम किया। हाँ मुझे लैपटॉप वगैरह है तो एडिटिंग नहीं क्या कराए, वीडियो बनाए तो बोल लैपटॉप वगैरह चाहिए पास। कसं काय जाणार, बस मी ट्रेनने चल किशू चलो आहे का डॅडी हा आहे डॅडी चल आहे चल येणार ना मी मग येणार मी मी कुठं चाललो आहे हा तो सही में जा रहा हाँ मजाक कर रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ वो मजाक वीडियो बना रहा था प्रैंक वाला मस्ती वाला नहीं चाहता एक उधर मस्ती वाला वीडियो बना तो मस्ती वाला आप लोग के मतलब तुम्हें के साथ मजाक करने वाला वीडियो ऐसे पे करता को कुछ हो गया तो उधर से आई मजाक कर रहा हूँ तो सॉरी अरे सॉरी ना मजाक करता नहीं आई काय तू तरी एवढी दादा लागली यार मजाक केलं ना मी सॉरी 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 अरे तुला काय सोडून जाणार आहे का मी तुम्ही असं सोचलं पण सोचा नाही घ्यायचं तुम्हाला चले जाऊ का छोडके तुला सोडून जाऊ शकते सॉरी सॉरी प्लीज मला काय मानून नाही था की इतना हे जाता का मला तो सोचा नाही मला इथे बोलून छोड दूंगा लेकिन वो निकलते क्या आगे वो फिर मैं कपड़ा वपड़ा भी भर लिया ये सब नहीं सोचा था मैंने कपड़ा वपड़ा भर लूंगा मैं बोला था बस बोलूंगा दो मिनट देखूंगा तुम लोग का कैसे चल रहा था उसके बाद बोल दूंगा लेकिन वो फिर आगे बढ़ता गया क्या फिर तो ना बोला ना मस्ती करते नहीं क्या छोड़ू जाना रहे का थोड़ा सा पानी देखो तुम मैंने पहले ही बोला था बाहर वीडियो के शुरुआत में बैड बॉय ना डैडी इज अ बैड बॉय वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए अभी हो रहे रात के 11:30 मैं फिलहाल आयो मेरी नाइट शिफ्ट पे कॉल सेंटर में और डिनर ब्रेक हुआ मेरा प्रैंक के बाद टाइम नहीं मिला आप लोगों से दोबारा बात करने का क्योंकि घर में माहौल काफी इमोशनल हो गया था मेरी मॉम काफी इमोशनल हो गई थी मैं जानता हूँ लेकिन इन सब चीज़ों से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो उभर कर बाहर आती है वो ये है कि हमारे मॉम डैड को तो इन सब चीज़ों से एक जो बहुत 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 ज़रूरी चीज़ बाहर निकल कर आती है वो है कि हमारे मॉम डैड को हमारी कितनी ज़रूरत है। मैंने थोड़ी सी जाने की बात की तो मेरी मॉम रोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। मेरी एक्चुअली मेरे मॉम के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं जानता हूँ कि मेरी मॉम कितनी इमोशनल हुई होगी और मेरी वाइफ तो बोल ही रही थी कि मुझे लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हो। हमारे जो इंडियन कल्चर है उसके हिसाब से अपने मॉम डैड के साथ रहना उनका हमेशा साथ देना जैसा उन्होंने हमारा साथ दिया है लेकिन हम क्या कर रहे हैं मतलब क्या चल रहा है आजकल के टाइम में कि हम जो बाहर का कल्चर है उसे फॉलो करना चाहते हैं जैसे इंडिपेंडेंट हुए घर छोड़कर बाहर गए सारी चीज़ें की इट्स ओके टू बी इंडिपेंडेंट इट्स नॉट बैड लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी एक्चुअली हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं एक ब्लॉगर है केसी नाइस्टैट मैं उनको फॉलो करता हूँ इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर और
वो अभी एक डेढ़ हफ्ते पहले सारी चीज़ें छोड़कर न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए. क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहे, जो मॉरल वैल्यूज़ है उन्हें सीखे कि फैमिली के साथ रहना कितना इम्पोर्टेंट होता है. I don't want to raise my kids without family. My priorities right now are giving my kids a life that includes family, and I can't do that in New York City. Yahi jo hai mere plan ka basic motto tha. Aap logo ko ye batana ki hamari family, hamare mom dad kitne important hote hai. Chahe jo ho jaye, chahe jo chhod do, lekin apne mom dad ko chhod kar kahin aur jaane ki main nahi soch sakta. It was just a prank, isiliye maine kiya. Thank you very much aap sab logo ka yahan tak ye vlog enjoy karne ke liye. Agar aapko ye vlog pasand aaya, like kare, share kare apne friends, family members sabhi ke sath. Unhe bhi pata chalne dijiye ki how important is our family and how important to stay with them, especially to our mom dad, jo ke sabse 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 zyada zaruri hai. तो बस अगर आप नए हो सब्सक्राइब करो, नीचे जो प्यारा सा लाल बटन दबाओ, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हो जाओ. मैं आपको यूं ही एंटरटेन करता रहूँगा. टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का. बाय बाय.